देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। वादों के साथ निकली कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा, आज पहुंची प्रयागराज, जगह जगह हुआ स्वागत। शिवपाल सिंह यादव जी का विजय रथ पहुंचा शाहजहांपुर। स्वास्थ्य सुविधाएं, विकास और भ्रष्टाचार होंगे मुद्दा, पीएम मोदी ने वाराणसी में बीजेपी को दिए चुनावी मुद्दे। यूपी में अब इसी आधार पर होगा चुनाव प्रचार। यूपी में 12 आईपीएस के तबादले, पुलिस कस्टडी में सफाई कर्मी की मौत के मामले में आगरा के आईजी हटे, कानपुर के आईजी मोहित अग्रवाल का भी ट्रांसफर। जींद में रिवॉल्वर की नोक पर गुंडागर्दी, व्यापारी को जान से मारने की धमकी दे, 10 लाख रुपए लूटे, 25 लाख रुपए की थी डिमांड। मैनपुरी में समाचार कवरेज को गए पत्रकार पर हमला, जनपद के नबीगंज टोल प्लाजा के उद्घाटन में पहुंचा था पीड़ित पत्रकार। शोहरतगढ़ तहसील के महादेवा नानकार में धान खरीद केंद्र में आने का नहीं है रास्ता, जबकि ये साधन सहकारी समिति है, इसके चारों तरफ नाली का गंदा पानी कई महीनों से भरा हुआ है, लेकिन विभागीय उदासीनता के कारण ये परेशानी बनी है। गढ़मुक्तेश्वर में नाला निर्माण में घटिया सामग्री पर भड़के ग्रामीण किया प्रदर्शन। एटा में यूपी सरकार के राज्य मंत्री ने की अन्नदाताओं से अपील, देश हित और लोकहित में अन्नदाता खेती में करें जैविक और देसी खाद का प्रयोग। गाजियाबाद में इस साल डिप्थीरिया के 13 केस, जबारसी गांव में मिला एक संदिग्ध केस, बच्चों की स्क्रीनिंग और टीकाकरण शुरू। आपका मिशन यूपी दिल्ली मॉडल की तर्ज पर यूपी में चुनाव लड़ेगी आप, केजरीवाल करेंगे कैबिनेट बैठक में अयोध्या यात्रा करवाने का ऐलान। बीमारियों पर काबू के लिए चला सफाई अभियान, मुजफ्फरनगर में डेंगू मलेरिया की रोकथाम के लिए एंटी लार्वा का छिड़काव, कराई गई फॉगिंग। कहीं म्यूटेट वायरस से तो नहीं हो रही मौतें, जीका के मरीज मिलने के बाद कई सवालों के जवाब में उलझी दिल्ली और लखनऊ से आई स्वास्थ्य टीमें, 72 टीमें कर रही 4 किलोमीटर के दायरे में जा। डिप्टी सीएम सिसोदिया का ऐलान, 1 नवंबर से दिल्ली में स्कूल खुलेंगे, छठ पूजा की इजाजत मिली। नौसेना के पनडुब्बी कार्यक्रम की सूचना आई, 2 रिटायर्ड और 1 सेवारत अफसर समेत 5 गिरफ्तार, सीबीआई 2 महीने से जांच कर रही है। मेरठ में शादी से पहले युवती प्रेमी संग फरार, 30 अक्टूबर को युवती की आनी थी बारात, प्रेमी संग देखे जाने पर परिजनों ने दूसरी जगह तय की शादी। और नाम में बाढ़ का कहर, खतरे के निशान के पास पहुंचा गंगा का जल स्तर, कई इलाकों की बिजली काटी गई। बदायूं में दहेज के लिए हत्या, घर में मिला विवाहिता का शव, मायके वालों ने दहेज हत्या का लगाया आरोप। गोकशी से की हमेशा के लिए तौबा, मुजफ्फरनगर में हाथ जोड़कर थाने पहुंचे 1.5 दर्जन लोग, गोकशी न करने की खाई कसर। नक्सलियों की तलाश में स्वास्थ्य कर्मियों से भिड़न, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एसटीएफ का छापा, डॉक्टर बोले स्टाफ को डराया धमकाया, पुलिस ने कहा सिर्फ पूछताछ। आप देखते रहिए टुडे 24।